वेलकम टू आवर चैनल और मैं रेखा अग्रवाल। आज मैं आपको बेसन की बूंदी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान तरीके से हम बना लेंगे। इसको हम तीन कलर से बनाएंगे, आप चाहे तो इसे बिना कलर के भी बना सकते हैं। तो ये देखते हैं कैसे बनती है बेसन की बूंदी। तो इसके लिए मैंने ये एक कटोरी बेसन है, करीब 200 ग्राम बेसन है। सबसे पहले इस बेसन को घोल लेंगे, इस तरह के बेसन की कंसिस्टेंसी रख लेंगे। इस पूरे बेसन में मेरा पौना गिलास पानी लगा है। तो अब हम इस बेसन को 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बेसन को 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया था, अब ये सॉफ्ट हो गया है। इसको हम 5-10 मिनट के लिए ऐसे बीट कर लेंगे इस तरह से। इसके लिए चाशनी बनाते हैं, इसके लिए और इसमें पौना कटोरी पानी डाल लेंगे और ये 150 ग्राम के करीब चीनी है, एक कटोरी इसको डाल देंगे और इसकी एक तार की चाशनी बना लेंगे। ये चाशनी में 3-4 छोटी इलायची का पाउडर है, ये डाल देंगे। तेल को गर्म कर लेंगे, हम कलरफुल बूंदी बनाएंगे तो इसको हम कलर डालने के लिए तीन जगह पे कर लेंगे। एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है, जैसे कि गुलाब जामुन की चाशनी बनती है। गैस को बंद कर देंगे, थोड़ी सी हम रेड कलर की बूंदी बनाएंगे तो थोड़ा सा रेड कलर डाल देंगे, थोड़ी सी हम ग्रीन कलर की बूंदी बनाएंगे तो थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ी सी हम येलो कलर की बूंदी बनाएंगे, थोड़ा सा येलो कलर डाल देंगे। कलर ऑप्शनल है, आप बिना कलर के भी बना सकते हैं। इनको मिक्स कर लेंगे। ये तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, हमें थोड़ा ज़्यादा गर्म तेल चाहिए। इसके लिए हम एक बूंदी डालकर देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से बूंदी तुरंत ऊपर आ जाएगी, इसका मतलब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म है। सिक गई है, इसको निकाल लेते हैं। बूंदी बन गई है, इसको गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। बाकी की बची हुई बूंदी को भी ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बूंदी हमारी बनकर तैयार हो रही है। एक मिनट में बूंदी सिक जाती है, बूंदी सिक गई है, इसको निकाल लेंगे। इसको गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। येलो बूंदी हमने बना ली है, अब ग्रीन बूंदी बनाएंगे और तेल को थोड़ा गरम रखेंगे। इसी तरह से रेड कलर वाली बूंदी भी निकाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे चाशनी में। ये देखिए बूंदी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।